सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 7, जो कि कक्षा 7 के ही विद्यार्थियों के लिए है और यह ली गई है हिंदी विषय से, जिसमें हम समझ रहे हैं पाठ दादी माँ को। और आपको तो याद है कि पिछली कुछ वर्कशीट से हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने अभी तक ये पढ़ा था कि लेखक किस तरह से अपनी दादी माँ की यादों को याद करते हैं, कि किस तरह से वो उनकी उनको प्यार करती थी और जब वो बीमार हो जाते थे तो उनकी कैसी वो सेवा करती थी। लेकिन एक बात उन्होंने ये भी बताई थी कि दादी माँ थोड़ी सी गुस्से वाली थी, गुस्सैल थी। अगर उनकी बात कोई ना सुने तो वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं थी, क्योंकि वो सबकी मदद करती थी। जो जब भी कोई बीमार हो जाता तो आपने पढ़ा था ना कि वो उसके पास जाती, उसकी नब्ज देखती और उसको कुछ बीमारी और इलाज के बारे में बताती थी। ऐसा ही जो आज की वर्कशीट में आया हुआ है उसको भी आपको यही देखने को मिलेगा कि किस तरह से दादी माँ गुस्सा तो कर रही हैं लेकिन वो समय पर दूसरों की मदद भी करती थी। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहर दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थीं। देखा तो पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी हैं। सो ना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों में नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दे दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो लेखक की दादी हैं वो रामी की चाची को डांट रही थी, क्योंकि शायद हो सकता है किसी कारण से वो उनका जो उनसे जो उधार लिया था वो सही समय पर नहीं लौटा पा रही थी और कुछ कह रही थी कि मैं आज दे दूंगी या फसल कटने में दे दूंगी। तो इस तरह से दादी माँ उनको गुस्सा कर रही थी। तो अभी आपको समझ में आया कि किस तरीके से दादी माँ और रामी की चाची के बीच ये संवाद चल रहा था। अब इसी गद्यांश को पढ़कर हमें जो आगे प्रश्न आए हैं उनके उत्तर देने हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है कि गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है कि ऋण किसने किससे लिया होगा, ऋण का मतलब उधार। तो बिल्कुल साफ है ये कि जो ऋण था वो रामी की चाची ने दादी माँ से लिया था। समझ में आ रहा है। फिर है प्रश्न नंबर 2, दादी माँ किस पर बिगड़ रही थी, यानी किस पर गुस्सा कर रही थी। तो दादी माँ रामी की चाची पर बिगड़ रही थी। फिर प्रश्न नंबर 3 है कि दादी माँ किस कारण बिगड़ रही थी। तो इसका उत्तर है कि दादी माँ इसलिए बिगड़ रही थी क्योंकि रामी की चाची ने जो कर्ज दादी माँ से लिया था उसका ना तो वह सूद दे पा रही थी और ना ही मूल, यानी वो जो उन्होंने पैसा उनसे उधार लिया ना तो वो उसका ब्याज दे पा रही थी और ना ही वो असल धन यानी जो मूलधन होता है वो दे पा रही थी। फिर है इसके बाद आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, यहाँ ऋण लेने की बात हुई है। अनुमान लगाइए कि किन पारिवारिक स्थितियों में गाँव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहाँ से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। भाई आप भी तो गांव जाते होंगे, आपने भी गांव की परिस्थितियों को देखा होगा। वहां पर जो है गरीबी थोड़ी सी ज़्यादा है और जो लोग वहां पर रहते हैं उनके पास इतना धन तो होता नहीं, तो वो कुछ बातों के लिए किससे लोन लेते हैं, किससे ऋण लेते हैं, इसके बारे में आपको अंदाज़ा लगा के अपने बड़ों से बातचीत करके इसको लिखना है। तो जो मेरा सुझाव है, जो मैंने देखा है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि गांव के लोगों को कई परिस्थितियों में ऋण लेना पड़ता होगा। उनमें से कुछ एक हैं कि जैसे फसलें किसी भी वजह से नष्ट हो जाने पर या दूसरी फसल उगाने के लिए, इसके लिए पैसा चाहिए होता होगा।
फिर या शादी ब्याह के समय या मृत्यु भोज के लिए, आपको पता है कि अगर गांव में कोई मर भी जाता है तो उसका जो कार्यक्रम क्रियाक्रम या जो भी कुछ है, जो भी किया जाता है, जो काज किया जाता है, वो भी बहुत बड़े लेवल पर किया जाता है, तो इसलिए भी लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है। या फिर घर आदि बनवाने हेतु, कभी कभार किसी बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए या पशु खरीदने के लिए, यह ऋण उन्हें गांव के जमींदारों और साहूकारों से मिलता होगा। क्या ऐसा ही होता है? आप भी मुझे बता सकते हैं। तो इसके बाद एक बहुत ज़रूरी सूचना, और वो है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। यानी अगर हमें कोविड से बचना है तो कोविड 19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। देखिए, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये कोविड 19 कोरोना वायरस आपको तुरंत जकड़ लेगा। तो उसको हराने के लिए हमें मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोरोना को हराना है तो मास्क ज़रूर पहनना है। तो मेरे इस तरह समझाने से आपको अब थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह मज़े मज़े में, खेल खेल में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर और पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद।